चिकन के पीसेज हैं कि पनीर के पीसेज हैं, अभी टेस्ट होगा तो पता चलेगा। भाई ये लाल बक्से में ये जो आप देख रहे हो, सो हे गाइस वेलकम बैक टू द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस सामने आप देख सकते हो भगत सिंह मोड है, और भगत सिंह मोड में जो नया नया चमक रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और आज हम लोग आ चुके भाई पिज्जा हट। पिज्जा हट में भाई बहुत सारे नए एपेटाइजर्स आए हैं, मेल्ट्स आए हैं, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हम लोग आपको आज पिज्जा से थोड़ा अलग दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो में बने रहिएगा और पिज्जा हट को एंजॉय करिएगा, क्योंकि पिज्जा हट जो है ना भाई क्वालिटी देता है जो कि भाई कहीं और मुश्किल है। और ये तो आसनसोल में आ चुका है, आप सभी को पता। तो चलिए आज का व्लॉग पिज्जा हट। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पिज्जा हट के अंदर, और पिज्जा हट में भाई अभी देख सकते हो वेटनेस देखो 50% ऑफ होता है, और साथ ही साथ एपेटाइजर्स और पास्ताज भी आया है, साथ ही साथ मेल्ट्स भी आया है। नया वाला हमारा मेन्यू कार्ड है, इसका जो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, उसके फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जो हम लोग ट्राई करेंगे, वो भी आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस अभी हम लोग का आ चुका है ऑर्डर, आप देख सकते हैं पिज्जा हट ने आके बस पिज्जा से स्टार्ट किए हैं ऑर्डर, अभी और भी ऑर्डर किए हैं बहुत सारा जो कि आने वाला है। बहुत सालों के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब लगभग 2 महीने के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। आज हम लोग आए हैं जिसके नाम में पिज्जा पिज्जा हट में आए भाई, जिसके लिए वो पूरा ऑल ओवर इंडिया फेमस है, भाई। तो अमेरिकन चीजी पिज्जा है, चीजी चिकन पिज्जा है। ये हमारा कौन सा है राहुल भैया? ये है आपका चिकन टिक्का पिज्जा, और साथ ही साथ ये देख सकते हो मुर्ग मलाई चिकन, बहुत ही सही है। ये तीनों के तीनों रेगुलर साइज है, हाँ 50% ऑफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को है, ये भी बात है, ठीक है। पिज्जा हट ऐसे ऑल ओवर इंडिया में फेमस नहीं है, ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने पिज्जा के लिए। चिकन में कंजूसी नहीं है, चिकन में कंजूसी नहीं है, बेस भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। देखो भाई चिकन अभी दो पीस अभी भी इसमें लगाऊंगा, प्लस ये जो चिकन है ना वो चिकन टिक्का है, इसमें प्रॉपर जो स्मोकी बारबेक्यू का जो फ्लेवर्स है वो आ रहा है। देखो देखने में प्रॉपर लग रहा है मैक्सिकन पिज्जा, पिज्जा द चीज इसे कहते हैं भाई, इतना ज्यादा चीज है। पानी आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे मजेदार जो पिज्जा था हमारा मुर्ग मलाई चिकन, वो हमने बचा कर रखा लास्ट में खाने के लिए। मुर्ग मलाई इतना ज्यादा थी सच में, इसमें देखो भाई क्या क्या मिला, वो प्याज है, बहुत ज्यादा वेजीज है, मतलब बेस कितना मोटा है, कितना सॉफ्ट है, मतलब पिज्जा हट क्यों फेमस है आज समझ में आ रहा है, क्योंकि पिज्जा हट है। सही है भाई, सही बात है भाई, शाइन कर रहा है ये। पहले तो वेल कुक्ड है भाई, एकदम बहुत ही प्यार से निकला, प्यार से निकलने के बाद इस पर जो लेयर है ना इसमें, मतलब हनी से इसको थोड़ा सा ग्लेज किया गया है, ग्लेज किया है, अब बहुत ही खूबसूरत स्वाद आ रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेवर है, इसको कबाब की तरह बनाकर जो ग्लेज किया शाइन कर रहा है भाई, और टेस्ट वाइज बहुत ही खतरनाक हो। अगर नया लॉन्च किए ये लोग तो भाई एपेटाइजर आओ आप लोग ट्राई करो, ठीक है, काफी सही है। तो गाइस अभी हम लोग के पास देख सकते हो क्लासिक मखनी पास्ता है हमारे पास, ठीक है, और अगर मैं आपको बात करूँ तो पास्ता देख सकते हो आप कौन सा वाला है, ठीक है, और इसमें दबा कर भाई यहाँ पे देख सकते हो ये चिकन के पीसेज हैं कि पनीर के पीसेज हैं, अभी टेस्ट होगा तो पता चलेगा। और चीज़ देखो भाई ऊपर से लगता है पूरा चीज़ बहा दिया गया है एक बार, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये जो भाई जाकर मेल्ट हो रहा है ना, और ये जो पास्ता है पास्ता में भी हल्का सा इसका खुद का च्यू है, ठीक है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई, मतलब मजा आ जाएगा अगर आप इसे ट्राई करोगे।
अगर आप ऑलरेडी अब पास्ता लवर हो तो इसे मस्ट मस्ट ट्राई करना भाई, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है पिज्जा हट में आसनसोल में, और जो टेस्ट ये ऑफर कर रहा है ना मज़ेदार है। सो गाइस पिज्जा हट का स्पेशल मेल्ट आ चुका है भाई हमारे टेबल पे। तो भाई ये लाल बक्से में ये जो आप देख रहे हो बहुत ही देखने में फैसिनेटिंग लग रहा है, ये लाल दरवाजा खुलते हुए ये देखो है हमारा मेल्ट। ओहो मतलब मुझसे अब वेट नहीं किया जाएगा, ऊपर ये जो लेयर है ना ये क्रिस्पी है हार्ड वाला है, अंदर में इसका कुछ फीलिंग्स है देखो तो अच्छा खासा चीज जो भरा हुआ है सब कुछ भरा पड़ा है इसमें और ऑरिगैनो देते हैं। ये था जिसको ट्राई करने के लिए आज हम लोग स्पेशली आए थे पिज्जा हट आसनसोल में, और ये आपको यहाँ छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, बहुत ही कम प्राइस में ये मिल रहा है, चलो इसे ट्राई करते हैं। भाई ऊपर का जो मतलब ये पापड़ का मोटा वर्जन है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, अंदर से जो चिकन और चीज़ निकल रहा है ना वो आपके माउथ में एक तरह से ब्लास्ट कर रहा है, मतलब मज़ेदार है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, दबा दबा कर इसमें चिकन भरा गया। टाइम था भाई हम लोग चिंगी पार्सल खाते थे याद है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट लगता था मुझे, वो चिंगी पार्सल्स जो था उसका वो अपग्रेडेड वर्जन है ये मेल्ट्स। मेल्ट्स खाने के लिए आपको आना पड़ेगा पिज्जा हट आसनसोल, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पे आइटम्स है भाई, दिल से बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ा तगड़ा आइटम है। ट्राई करना है तो आप आ जाइए पिज्जा हट आसनसोल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ों का आपको मेन्यू कार्ड का हो या सारा आपका ऑफर्स वगैरह हो सब कुछ इमेजेस से लेके हर एक चीज़। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।